श्रीहरिकोटा के बारे में। श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की शर परियोजना बस्ती में स्थित बंगाल की खाड़ी तट पर एक अवरोधक द्वीप है। इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो भारत के दो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है, और दूसरा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग करके उपग्रहों को लॉन्च करता है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा से निकटता के कारण पृथ्वी के घूर्णन से अतिरिक्त केंद्रापसारक बल देता है। इतिहास। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए 1969 में श्रीहरिकोटा द्वीप को चुना गया था। ये केंद्र 1971 में चालू हुआ जब RH-125 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर एक कक्षीय उपग्रह रोहिणी 1A का पहला प्रयास 10 अगस्त 1979 को हुआ था, लेकिन रॉकेट के दूसरे चरण के थ्रस्ट वेक्टिंग में विफलता के कारण 19 अगस्त 1979 को उपग्रह की कक्षा खराब हो गई। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन की स्मृति में 5 सितंबर 2002 को शाह का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाह SDSC रखा गया। शाह सुविधा में अब दो लॉन्च पैड शामिल हैं, दूसरा 2005 में बनाया गया था। दूसरे लॉन्च पैड का उपयोग 2005 में शुरू होने वाले लॉन्च के लिए किया गया था और यह इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी लॉन्च वाहनों को समायोजित करने वाला एक सार्वभौमिक लॉन्च पैड है। दो लॉन्च पैड एक ही वर्ष में कई लॉन्च की अनुमति देंगे, जो पहले संभव नहीं था। भारत का चंद्रयान चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सुबह 6:22 बजे IST केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत का पहला मंगल ग्रह ऑर्बिटर मंगलयान 5 नवंबर 2013 को केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसे 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था। शुरुआत में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत गगनयान नामक चालक दल वाले अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मौजूदा लॉन्च सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। SDSC के वर्तमान निदेशक अरुमुगम राजराजन हैं। उन्होंने जुलाई 2019 में S. पांडियन से पदभार संभाला। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC पूर्व में श्रीहरिकोटा रेंज शाह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है, जो चेन्नई से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर में श्रीहरिकोटा में स्थित है। केंद्र में वर्तमान में दो कार्यशील लॉन्च पैड हैं, जिनका उपयोग साउंडिंग रॉकेट पोलर और जियोसिंक्रोनस उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। भारत के चंद्र अन्वेषण जांच चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 और मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को भी SDSC में लॉन्च किया गया था। मूल रूप से श्रीहरिकोटा रेंज शाह कहे जाने वाले केंद्र का नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। इसके मूल संक्षिप्त नाम को बरकरार रखते हुए इसे SDSC शाह के रूप में जाना जाता है। रेंज तब चालू हुई जब 9 और 10 अक्टूबर 1971 को 3 रोहिणी 125 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए गए। पहले भारत ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने के लिए भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS का इस्तेमाल किया था। संपूर्ण SLV-3 रॉकेट का पहला परीक्षण प्रक्षेपण अगस्त 1979 में हुआ, लेकिन दूसरे चरण के मार्गदर्शन प्रणाली में खराबी के बाद ये केवल आंशिक रूप से सफल रहा। SLV-3 की तैयारी और प्रक्षेपण के दौरान शाह सुविधाओं ने संतोषजनक ढंग से काम किया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने भारत का तीसरा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शाह से 4 SLV प्रक्षेपणों में से 2 सफल रहे। ASLV ऑर्बिटल लॉन्चर को वाहन इंटीग्रेशन बिल्डिंग VIB में मोटर और सब असेंबली तैयारियों के साथ लंबवत रूप से एकीकृत किया गया था और 40 मीटर लंबे मोबाइल सर्विस स्ट्रक्चर के भीतर पैड पर पूरा किया गया था। शाह से पहला ASLV प्रक्षेपण 1987 में हुआ और परिणाम स्वरूप विफलता हुई। अंततः 1987 से 1994 तक 4 ASLV प्रक्षेपणों में से केवल एक ही सफल रहा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च कॉम्प्लेक्स को 1990 के दौरान चालू किया गया था। इसमें 3450 टन 76.5 मीटर ऊंचा मोबाइल सर्विस टॉवर MST है, जो SP3 पेलोड क्लीन रूम प्रदान करता है। PSLV के लिए ठोस प्रणोदक मोटरों को SHAR द्वारा संसाधित किया जाता है, जो लॉन्च ऑपरेशन भी करता है। PSLV का पहला प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को हुआ था। भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV का पहला प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। GSLV ने अपने क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ 2 टन तक की श्रेणी के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया है। GSLV का अगला संस्करण GSLV-MK3 है, जिसका अपना क्रायोजेनिक हाई थ्रस्ट इंजन और स्टेज है, जो 4 टन वर्ग के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है।